से जमीन में पड़ा हुआ बेच रहा है, उसको क्या कीजिए, मांस पीठ के पास कड़ा मांस जहाँ है, 1 किलो या 2 किलो का मछली है, तो आप बटन ऐसे दबाइए, बटन ऐसे उंगली से कस के दबाइए, दबाने के बाद फिर ऊपर स्पंज आ गया तो खाने लायक, खाने लायक है। यदि दबा हुआ रह गया मतलब भुजाएगा, कढ़ाई में भुजाने के बाद भी खा नहीं सकते, दबा हुआ मछली के ही कल फरा फरा तो देखने से ऐसे भी उसका रंग रंगत लगाता है, लेकिन लोग बोलता नहीं चाहिए है, पेंट देखिए इसका जल फरा देख लीजिए, तो वो भी विश्वास नहीं करते, उसको खो के देखिए ऐसे दबाइए, माने दवा तो दबने रह गया। और जो है लेकिन स्पंज ऐसे दबाए फिर अपने लेवल का जैसे हम लोग का मांस ऐसे दबाए फिर इतना आ गया, सही है। यदि हमारा सूजन रहेगा, जख्म रहेगा या हर लाश है मरा हुआ लाश पे ऐसे दबाइएगा और आगे बताइए। मछली में बीमारी आ गई, एक्वेरियम बीमारी आ गई, मछली मर रही है जोर से, तो हर हालत में पोटेशियम परमैंगनेट जो आप लोग बाजार मेडिकल हॉल में मिलेगा उसके साथ क्या है एकदम बेसिक घर का दवा बता देते हैं, जो कि इससे बहुत बढ़िया बढ़िया बीमारी जो है भयंकर ठीक हो जाएगा। पोटेशियम 1 बीघा का तालाब है, 400 ग्राम का पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, 400 रुपये मिलेगा। 1 या 2 किलो हल्दी पाउडर ले लीजिए, 1 पैकेट सस्ता नमक ले आइए 200 रुपया में 1 या 2 किलो पाउडर ले आइए हल्दी, सबको मिला के ड्रम में 20-30 लीटर पानी में समूचे में भरवा दीजिए, कैसे बीमारी रहे ठीक हो जाए। कोई मेडिकल हॉल भागने की जरूरत नहीं है, जाइएगा दुकान में 2-4 हज़ार रुपये का दवा लेंगे, 1,000 रुपया के अंदर में आपका इलाज। आपके तालाब में यदि मछली में जोंक हो गया, मछली में भी जोंक लगता है, देखें आप मछली में ढीला लगता है, जो ड्राई भैंस में ढीला है ना उसमें भी लगता है, आपका आदमी आ गए तो ढीला होता है, देखें आप लोग, तो उसके लिए छटपटाएगा मछली में, एकदम हलचल कर देगा, एकदम रगड़ने चलेगा, उसको बेचैनी होता है, जोंक यही जोंक होता है, यही जोंक जैसा मछली में भी स्केल के नीचे चुड़िया होता है उससे घुसा देगा सुंदा, और बाहर रहेगा हरा जैसा इतना लंबा लंबा, उसको एक खून को चूस के रखता है, तो मछली आप खाइएगा तो उसको कोई टेस्ट नहीं है, पूरा खून तो जोंक, उसके लिए क्या है क्लीनर डालना, क्लीनर आता है विशेष आता है उसका मात्रा होता है, दोपहर के टाइम होटल के पास होगा उस समय होगा, ऐसे टाइम उनको फोन कीजिएगा उसका सिस्टम बता दें वो हो गया, या उसको क्या करिएगा कि नमक मछली को इकट्ठा करके साल्ट स्नान उसको बोलते हैं, इकट्ठा करके जोंक जिसे भैंस में जोंक लगता है तो बाहर ला कर नमक डालते हैं तो उसका देह फट जाता है, मर जाता है। हाँ।